उत्तर प्रदेश में आजकल रेप और हत्या जैसी घटनाएं एक आम बात हो गई है, क्योंकि आज हमारा देश रेप और हत्याओं जैसी घटनाओं को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के महानगर शाहजहांपुर के क्षेत्र रोजा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की गई, तो वहीं पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार न करके केवल पीड़ित को आश्वासन दे रहे हैं। थाना रोजा क्षेत्र के गांव निवासी माँ बेटी अकेले घर में रहते हैं, जहां किशोरी की माँ शौच के लिए बाहर गई हुई थी। वहीं पास में रह रहे दबंग युवक प्रदीप उर्फ संजू और राजकुमार ने शराब के नशे में धूत होकर अचानक घर के अंदर घुस गए और किशोरी से अश्लील हरकतें करने लगे। किशोरी ने चिल्लाने का प्रयास किया तो दबंगों ने मुंह दबाकर अंदर कमरे में ले जाकर कपड़े उतारने का प्रयास करने लगे। इतने में तब तक किशोरी की मां शौच से वापस आ गई और फिर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उक्त दबंग मौके से फरार हो गए। जब घटना की तहरीर लेकर थाना रोजा पहुंची तो उक्त आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई तो दूर, पीड़िता की तहरीर भी नहीं ली गई, जहां पीड़िता थक हार कर एसएसपी से मिलने उनके ऑफिस पहुंची और एसएसपी के सामने अपने न्याय के लिए गुहार लगाई। गौतम और राजकुमार गौतम, ये लोग मेरे घर में घुसे और हमारे साथ बदतमीजी की। मेरी मम्मी उनका मतलब बाहर बाथरूम मतलब लेटरिन गई थी, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे कपड़े ही उतार लिए थे। तब तक मेरी मम्मी आ गई थी। क्या थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब कहाँ दिया है आपने? अब हमने यहाँ दिया है तो वहाँ आश्वासन दिया गया है।